अब आ रही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अब सभी को मिल सकेगी इलाज की सुविधा। केंद्र सरकार ने देश की जनता को फायदा पहुंचाने वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी से सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80% लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो, जिसमें दवा, जांच और इलाज भी शामिल होंगे। जानिए क्या है खास इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी हॉस्पिटल किसी भी तरह के इलाज के लिए मरीजों को मना नहीं करेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का इलाज मुफ्त में किए जाने का प्रावधान है, जिसमें टेस्ट, मेडिसिन और ट्रीटमेंट तीनों चीजें शामिल हैं। मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने के साथ साथ देश भर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोगों की जांच की सभी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाया जाएगा, साथ ही इन हॉस्पिटल्स को आधुनिक बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। इस स्वास्थ्य नीति के तहत मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी, साथ ही विशेषज्ञों से इलाज कराने के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी। आपको बता दें कि राज्यों के लिए इस नीति को मानना अनिवार्य नहीं होगा। इस पॉलिसी को एक मॉडल के रूप में राज्यों को दिया जाएगा। राज्य सरकार इसे लागू करती है या नहीं, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करेगा। बहरहाल 2 साल से लंबित पड़ी इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से आम जनता को काफी फायदा होने के साथ साथ सरकारी अस्पतालों के सुधार की भी उम्मीद की जा सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।